हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटर आइडिया में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना से जुड़ी एक नई अपडेट और क्यों अभी उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको किसान और मजदूर भाइयों से जुड़ी सभी योजनाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 24 जनवरी से पहले किसानों का कर्ज माफ करने की बड़ी घोषणा कर सकती है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिससे कोई भी अभी पार्टी है वो रैली नहीं कर सकती। किसानों का कर्ज माफ करने की योगी सरकार घोषणा नहीं कर सकती है, लेकिन चुनाव के बाद में कोई भी पार्टी अगर जीतती है, जैसे समाजवादी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस, तो वो बाद में चुनाव जीतने के, जिसके कारण अभी योगी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा नहीं कर सकती है। लेकिन विधानसभा के चुनाव हो जाने के बाद अगर किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो उसके बाद किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की जा सकती है। लेकिन अभी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा अभी नहीं कर सकती है। ये किसानों के लिए एक बड़ी दुखद खबर है। दोस्तों, इससे पहले एक उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि चुनावी रैली में योगी सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा 24 जनवरी को करने वाली है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घोषणा की नहीं गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो है जिनमें आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी से पहले उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की जा सकती है, इस प्रकार के वीडियो बनाए गए थे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव से पहले कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई पार्टी जीतती है तो किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर सकती है। साथ में इस योजना के अंतर्गत यह भी बताया जा रहा था कि जिन किसानों के 5-5 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है और उन्होंने 2-3 लाख रुपए तक का लोन लिया है, उन्हीं किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन साथ में यह बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत अगर सरकार फिर से कर्ज माफी करती है तो डिफॉल्टर किसानों का ही कर्ज माफ किया जाएगा, जिन्होंने बैंक से लोन लेने के बाद एक भी बार ब्याज नहीं भरा है, उन सभी किसानों का 2-3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जा सकता है। लेकिन पिछली बार विधानसभा के चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब की बार ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफी करने से संबंधित कोई भी अपडेट या जानकारी दी जाती है, आपको हम एक नया वीडियो बना के जानकारी देंगे। अगर आपके मन में उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसान और मजदूर भाइयों से संबंधित योजना की जानकारी जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।